अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भाई अनदर व्लॉग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मार रोड पर और आज मैं आपको मार रोड का नज़ारा दिखाता हूँ। रश कम है लेकिन बहरहाल ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और मेरे साथ रहेगा। उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। चल रहे मार रोड का नज़ारा करते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। ये है जी मार रोड के नज़ारे और सूरत हाल आपके सामने है जी। कल से वीकेंड रश कम देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी आज वीकेंड अभी शुरू नहीं हुआ और जैसे ही वीकेंड शुरू होगा रश भी बढ़ जाएगा। वीकेंड पे हमेशा रश ज़्यादा होता है और सीज़न तो स्टार्ट है बिल्कुल, तो बस ये रश इंशाल्लाह कल या परसों रश भी बढ़ जाएगा। और रश के मुताबिक फिर आपको पता है होटलों के रेट भी बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। वीकेंड पे और हो जाते हैं और जब वीकेंड नहीं होता तब रेट और हो जाते हैं, ये भी चलता रहता है यहाँ पर। ये मैं आपको मार रोड का नाइट व्यू दिखा रहा हूँ। ये हम जीपीओ पर आ गए हैं, यहाँ ऊपर कवालियाँ वगैरह हो रही हैं लेकिन यहाँ फैमिली जा सकती है, फैमिली विदाउट फैमिली नहीं जा सकती यहाँ पे कैफे में। हम आगे जा रहे हैं जीपीओ की तरफ। यहाँ पे $1 शॉप भी है किस चीज़ की है, यही मार रोड है ना ये सारा। $1 शॉप ये जो आप सामने शॉप्स देख रहे हैं ना, इनके ऊपर सारे होटल्स ही बने हुए हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे मार रोड पे आपको ऊपर होटल्स ही मिलेंगे और इनके रूम्स रेंट वगैरह जो भी हैं ये वो व्लॉग आपको मेरे ना चैनल पे मिल जाएगा अनकरीब इंशाल्लाह। तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो होटल्स के रेट हैं ना आज कल की सूरत हाल वीकेंड पे, तो ये 10,000-12,000 रुपये पर नाइट आपको मिलेगा। अगर वीकेंड ना हो ना फिर आपको ये पर नाइट 8,000-7,000 रुपये में पर नाइट मिलेगा। ये ऊपर सारे जितने भी हैं ना ये सारे होटल्स ही हैं, ये रूम्स वगैरह यहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाएंगे। सर्दी हो गर्मी हो मार रोड पर रौनक हमेशा ही रहती है, ये चीज़ है। सलमान नहीं लगता आज बिरयानी हम खा पाए क्योंकि कहीं नज़र ही नहीं आ रही बिरयानी वगैरह है। सलमान अब वापस चलते हैं, वापस क्यों, यहाँ घूमते हैं पागल। ये जीपीओ आ गया आगे, ये हम जी आ गए हैं जीपीओ पे। ये सामने आप जीपीओ देख रहे हैं, इधर आ इधर 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 आओ इधर। यहाँ बैठते हैं जीपीओ पर तो भी गप शप लगाते हैं। सलमान आओ यार आगे चलते हैं, आगे वो थोड़ा अंधेरा है वहाँ बैठते हैं गप शप लगाते हैं। चलो ऊपर बैठते हैं, आ जा यहाँ ऊपर बैठते हैं थोड़ी सी गप शप लगाने। मैं और सलमान भाई बैठे हैं इधर
नज़ारे देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, दिमाग रिलैक्स हो गया, माइंड फ्रेश हो गया काफ़ी हद तक। आज बहुत थक गए थे हम क्योंकि आज हमने सफ़र किया था और आगे से सलमान भाई का काम भी था, वहाँ जाना ज़रूरी था तो काफ़ी टाइम लग गया। पीछे दोबारा मेन शहर हमने पूरी की है, फिर हम मारो की तरफ आ गए। अब 12 बजे तक यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर हम रूम पर चलते हैं। ये हम जा रहे हैं वापस और लाहौरी ब्रोस्त यही ना खा लें, आज दिल तो कर रहा है लाहौरी ब्रोस्त ही खा ले, भूख तो लग रही है। चल सलमान का है, सलमान ये लाहौरी ब्रोस्त ही ना खा ले, हैं यही खाते हैं। चल आगे है मेन, मैं उस पर खाते हैं। ये आपको ये शूज़ दिखाता हूँ मैं, लेडीज शूज़। यहाँ पे ना आपको मार रोड पे लेडीज़ वैरायटी काफ़ी देखने को मिल जाएगी, लेडीज़ शूज़, चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे काफ़ी वैरायटी। आप ज्वेलरी की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं ना, जगह जगह बनी हुई हैं। शूज़ वगैरह लेडीज़ शूज़ की भी यहाँ पे शॉप्स काफ़ी हैं, और ड्रेसेस वगैरह नहीं होती क्योंकि ड्रेस कम ही है। आपको यहाँ मैक्सिमम जो ड्रेसेस के शॉप्स हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो इनके कल्चर के मुताबिक होते हैं, यहाँ के पहाड़ी लोगों के कल्चर के मुताबिक, तो वो ज़्यादा आपको ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे ट्रेडिशनल मिलेंगे। अदरवाइज़ ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल्स हैं, खाना पीना है, बाकी ये शूज़ वगैरह की शॉप्स होगी जैसे मैंने आपको दिखाया, यही कुछ है यहाँ पर ज़्यादा मार रोड पर। यहाँ पे यह डॉलर शॉप, डॉलर मार्ट, ये काफ़ी शॉप्स वगैरह यहाँ देखने को मिल रही है। जब मैं लास्ट ईयर आया था ना ये सब नहीं था, लेकिन इस साल ये सब देखने को मिल रहा है। मार रोड पे यहाँ पे बैठने की जगह है, साथ शॉप्स वगैरह खाने पीने की बनी हुई हैं, आइसक्रीम वगैरह और भी आपको अदर्स फूड यहाँ पे मिल जाएंगे खाने को। जी ये है सामने जर्सी ब्रोस्ट, इनकी तरफ आए हैं। मरी हिल्स, सलमान अब इस तरफ जाएं वहाँ भी काफ़ी रौनकें वगैरह हैं, वहाँ खाने को कुछ मिल भी जाएगा। यार बहुत अच्छा लग रहा है, ये है कि मुल्तान से काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमें महसूस हो रहा है कि हम अच्छी जगह भी आ रहे हैं। जो मुल्तान गर्मी है ना उरूज पर है, उरूज पर पता नहीं जो लोग रह रहे हैं, हम तो उन्हें यही कहेंगे मुल्तान वालों आ जाओ आप भी। यहाँ ना दोनों शॉप्स जगह जगह बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा, देखा नोटिस किया तूने? अब ये देखा मैं तो नहीं खाता, ये पहले नहीं थी अब बनी हुई। ये देखें सामने $1 शॉप्स हैं, ये अब बनी है, आई थिंक ये लास्ट ईयर नहीं थी मैं जब आया था तब, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं थी यहाँ पे ना शॉप्स वगैरह, ये अब भी आगे बनी है यहाँ पे नीचे। ये सामने मॉइस्चराइज अंदर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अच्छा ये ना मार रोड बस वो एंड पे जाके ख़त्म हो जाता है,
आगे अंधेरा है, वहाँ पे ना लोग जाते रहते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, लेकिन हम उधर जा नहीं रहे क्योंकि हमारा अभी मूड नहीं है। कल जाएंगे इंशाल्लाह, कल आपको देगा व्यू दिखाएंगे। ये मार रोड का नाइट व्यू था और उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये बस एंड हो जाता है मार रोड यहीं पे आके। जी उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये मार रोड का विज़िट था, नाइट व्यू था और रश की सूरत हाल तो आपके सामने आपने देख ली है। और काफ़ी जो ये मौसम आ गया, सीज़न आ गया, घरों से निकलो, बल्कि ख़ास तौर मुल्तानियों निकल आओ घरों से और घूमने फिरने आओ, यहाँ पे इंजॉय करो, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं तो हर साल आता हूँ घूमने के लिए, तो इस साल भी मैं आ गया। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।